तो आज का पहला क्वेश्चन है कि अम्ल क्षार अभिक्रिया में क्या उत्पाद बनता है। तो क्वेश्चन नंबर वन है, अम्ल क्षार अभिक्रिया में क्या उत्पाद बनता है? तो इसका आंसर होगा लवण और जल। लवण और जल इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दो की बात करें तो लोहे पर जंग लगने का कारण क्या है? तो लोहे पर जंग लगने का कारण क्या है? तो लोहे के कण प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, जो कि आयरन ऑक्साइड बनाती है। और वहीं अगर जंग का सूत्र की बात करें तो Fe2O3.NH2O, इसका आंसर होगा Fe2O3.NH2O। जैसे कि हम लोग एक क्वेश्चन पढ़े हैं कि सोडियम कार्बोनेट में जल के कितना अणु होते हैं, तो वहाँ आंसर होता है Na2CO3.10H2O, जिसमें टेन जो है जल का अणु होता है। उसी तरह से ये क्वेश्चन भी है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थ्री में पूछा गया है कि ऑस्कर 2020 हेतु भारत के किस फिल्म को नामित किया गया है। तो इसका आंसर होगा गली बॉय। ठीक है, गली बॉय मतलब ऑस्कर 2020 हेतु भारत के किस फिल्म को नॉमिनेट किया गया था? तो गली बॉय, जिसके डायरेक्टर होंगे जोया अख्तर। और अगर स्टार कास्ट की बात करें तो रणवीर सिंह और आलिया भट्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस होंगे। और अगर इसके रिलीज डेट की बात करें तो 9 फरवरी 2019। क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें तो गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो इसका आंसर जस्ता हो जाएगा। गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो आंसर होगा जस्ता। वहीं क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करें तो ओलंपिक खेल का शुभारंभ जो है कब हुआ था? तो ओलंपिक खेल का जो स्टार्टिंग है वो 776 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका सही आंसर होगा 776 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर सिक्स में कहा गया है कि शरीर में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट किस अंग से फिल्टर होते हैं? तो इसका आंसर होगा किडनी। शरीर में, हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है वो किस अंग के द्वारा फिल्टर किया जाता है? तो किडनी के द्वारा फिल्टर किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर सेवन में पूछा गया कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है, ये फर्स्ट अवार्ड दिया गया था 1969 में। किसे दिया गया था? तो देविका रानी को दिया गया था। और अभी हाल फिलहाल में पिछले साल जो है 2020 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो रजनीकांत को दिया गया है। वहीं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि लिंगराज मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? तो लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर जो है यह भारत के उड़ीसा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। तो यह भगवान शिव को समर्पित है। और इसे किसने बनाया? तो ययाति केसरी ने 617 से 657 ईस्वी में इसे बनवाया था। तो मूल रूप से अगर कहा जाए कि इसका लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये लिंगराज मंदिर उड़ीसा प्रांत में भुवनेश्वर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नाइन में पूछा गया था कि आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आयरन मन लोहा तत्व जो है उसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका आंसर जो है एनीमिया हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो फलीदार पौधों की जड़ में कौन सी बैक्टीरिया पाया जाता है? तो फलीदार पौधों की जड़ में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो राइजोबियम। और क्वेश्चन नंबर 11 में बात करें तो डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन। फ्रेंड्स, मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपका टाइम बिल्कुल ही बर्बाद नहीं कर सकता। ठीक है, सबके एग्ज़ाम है। वहीं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की बात करें तो लोकसभा जो है हाउस ऑफ पीपल्स का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? लोकसभा जो है इसका सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो लोकसभा, अब ऑप्शन के हिसाब से है तो इसका एग्जैक्ट आंसर तो 1952 होगा, लेकिन मैं डिटेल में यहाँ बता देना चाहता हूँ कि 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक यह सबसे पहले, मतलब इस कार्यकाल में इसका, इस पर चर्चा चल रही थी कि इसका गठन करना है। और ये आम चुनाव के बाद, ठीक है, आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को सर्वप्रथम लोकसभा गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया था कि चंद्रमा पर सबसे पहले मानव को किस देश ने भेजा था? तो चंद्रमा पर सबसे पहले मानव को किस देश ने भेजा था? तो अमेरिका ने भेजा था। और वहीं अगर सैटेलाइट की बात करें तो सबसे पहले सैटेलाइट किसने भेजा था? तो रसिया ने भेजा था। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि ये जो एक पर्टिकुलर सेशन है और हम इसमें SSC के सारे क्वेश्चन, MTS, CHSL, CGL के जितने भी आए हुए शिफ्ट वाइज क्वेश्चन हैं उसको हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, और एक साथ कवर करेंगे। और आज तो क्लास नंबर 8 है, इससे पहले मैंने 7 क्लास लिए हैं। ठीक है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके पिछले वीडियो देख सकते हैं, वहाँ मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कवर कराए हैं। ठीक है, और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे कि NTPC CVT 2 है, SSC GD है, ग्रुप डी है, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगी। फ्रेंड्स, एक भी क्वेश्चन जो है सारे क्वेश्चन रियल है। आप अगर एग्ज़ाम दे आप लोगों ने एग्ज़ाम दे रखा होगा या फिर दे रहे होंगे, तो आप लोगों को क्वेश्चन देख के और उसके एक्स्ट्रा फैक्ट देख के काफ़ी जो है बहुत ही हेल्पफुल मिलेगी। ठीक है,
तो फ्रेंड्स आगे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पूछा गया कि चंद्रमा पर सबसे पहले मानव को किस देश ने भेजा था, तो चंद्रमा पर सबसे पहले मानव को किस देश ने भेजा था, तो यहाँ आंसर अमेरिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया कि आप आपराधिक प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1884 किस वायसराय के समय में पारित हुआ था। तो फ्रेंड्स अगर इसको हम लोग ठीक से देखें तो इन शॉर्ट बात करें तो यह दंड संहिता को ही कहा जा रहा है, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट एक्ट 1884 इंग्लिश में इसे कहते हैं, और इसका सही आंसर होगा लॉर्ड रिपन। ये लॉर्ड रिपन के काल में शुरुआत हुई थी जो कि, और लॉर्ड रिपन का कार्यकाल की बात करें तो 1880 से 1884 तक लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। और इस एक्ट का अन्य नाम भी है, इस एक्ट के अन्य नाम क्या है, तो इल्बर्ट बिल जो है, इस एक्ट को अन्य नाम इल्बर्ट बिल भी इसे कहा जाता है। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1884 किस वायसराय के काल में शुरू हुआ था, तो यह लॉर्ड रिपन के काल में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया था किसने फुटबॉल में सबसे तेज गोल किया, तो ये नवाब अल अबेद जो है फुटबॉल में सबसे तेज गेंद गोल करने वाले हैं, और ये 2 सेकेंड में किए थे जो कि 2009 में इन्होंने गोल किया था। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो चंद्रमा पर मानव को लेकर जाने वाला पहला अंतरिक्ष विमान कौन सा था, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि एक शिफ्ट में एक ही टाइप के दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ सही आंसर होगा अपोलो 11। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया था कि नागरिकता संविधान के किस भाग में स्थित है, तो नागरिकता संविधान किस भाग में उल्लेख किया गया है, तो यह भाग दो में उल्लेख किया गया और अनुच्छेद 5 से 11 हो जाएगा। तो वहीं अगर डिटेल में थोड़ा बात करें तो जैसे भाग एक में अगर बात करें, क्योंकि हो सकता है कि फ्रेंड्स भाग एक भाग दो की भी चर्चा की जा सकती है भाग तीन की, तो भाग एक में संघ और उसके राज्य क्षेत्र है जो कि अनुच्छेद 1 से 4 है, और भाग तीन की बात करें तो मौलिक अधिकार है जो कि अनुच्छेद 12 से 35 है, और भाग चार की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है। फ्रेंड्स वीडियो को पॉज करके आप एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया कि चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था, तो चौहान वंश का अंतिम शासक जो था ये पृथ्वीराज थर्ड थे, पृथ्वीराज तृतीय, और चौहान वंश का संस्थापक की बात करें तो क्योंकि संस्थापक पूछा जा सकता है, चौहान वंश का संस्थापक जो है ये राजा वासुदेव चौहान थे। और वहीं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो ग्रैंड स्लैम शब्द का संबंध किस खेल से है, तो ग्रैंड स्लैम शब्द का संबंध जो है लॉन टेनिस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया था कि मोहनजोदाड़ो कहाँ पर स्थित है, तो मोहनजोदाड़ो जो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है, और वहीं एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदाड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है कि मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी, और अगर वहीं हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी जो कि 1921 में की थी। तो फ्रेंड्स ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, तो फ्रेंड्स आप अच्छे से क्वेश्चन को कवर करते रहना। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाते रहना और थोड़ी आप अटेम्प्ट भी लेते रहना, क्योंकि जैसे कि 100 क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन को अगर अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है, और कोशिश कीजिए गलतियाँ कम करने की। ठीक है, और जिनके भी एग्ज़ाम है आने वाले आगे, जैसे NTPC CVT 2 है और SSC GD है, ये जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है ये वीडियो सब काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आने वाली मैं जितनी भी सीरीज कराऊंगा, मैं कुछ दिन बाद या 1 या 2 दिन के बाद से मैं साइंस की वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में अपना राय देना कि ये वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स आप लाइक कर देना और कोशिश करना कि थोड़ा सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरी वीडियो जो है अगली वीडियो आप तक नोटिफिकेशन जो है बहुत ही जल्द पहुंच जाएगी। तो फ्रेंड्स थैंक यू।